सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट पॉकेटशू 1.19 के लिए देने वाला हूँ बेस्ट शेडर पैक, जो शेडर प्लस टेक्सचर का एक मिश्रण है। आई मीन दोनों एक साथ कंबाइन किए हुए हैं। एंड इस शेडर का नाम है DGR फेथफुल शेडर्स, ऐसा ही कुछ नाम है। एंड ये शेडर्स आपके वनीला माइनक्राफ्ट को ब्यूटीफुल बना देंगे उससे भी आगे। एंड अभी जाके उसको डाउनलोड मत करना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में कहीं पे तो पासवर्ड है जो आपको मिलने वाला है। सो वीडियो पूरी एंड तक देखना। एंड लास्ट में मुझे आपसे सर्वाइवल के बारे में भी कुछ बात करनी है, जो मैं सीरीज शुरू करने वाला था। आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, बट उसमें ना एक प्रॉब्लम है जो मैं आपसे बताने वाला हूँ। एंड जैसे आप शेडर्स को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद सारा का सारा UI भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है पहले वाले माइनक्राफ्ट की तुलना में, कंपेरिजन में। एंड वीडियो शुरू करते ही बारिश की बूंदे लग गई, जहाँ से आप लोग देख सकते हो कि बारिश की बूंदे जमीन को टक करके वापस आ रही है, जो लिटरली दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है शेडर्स के अंदर, जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो काउ है उसका भी इन्होंने पूरा का पूरा टेक्सचर चेंज कर दिया, जो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में। एंड इसी के साथ आप इन शेडर्स की वाटर क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, जो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर लगती है, जो दिखने में सुंदर लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, वाह वाह लगती है, और क्या कहूँ। एंड यहाँ पे आप लोग ट्रीज को भी देख सकते हो, जो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। एंड स्पेशली इन्होंने ट्रीज के लिप्स होते हैं उनके ऊपर काफी अच्छे से डिटेलिंग की है, जो काफी बढ़िया लगते हैं दिखने में। एंड उन्होंने कुछ ट्रीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जो दिखने में अलग से लगते हैं, बट वही नॉर्मली ट्रीज है हमारे। एंड यहाँ पे आप लोग ग्रास भी देख सकते हो, जो माइनक्राफ्ट जावा की तरह लगती है, जो दिखने में भी बढ़िया लगती है। एंड इन्होंने हमारे सारे के सारे पॉकेट आइटम्स को भी चेंज कर दिया, उनका भी टेक्सचर अलग से कर दिया, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। हर आइटम का इन्होंने अलग से टेक्सचर बनाया है, जो हर आइटम पे इन्होंने अलग से डिटेलिंग की है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड मुझे ये शेडर्स का एक प्लस पॉइंट लगता है। एंड इसी के साथ आप लोग आर्मर्स एंड टूल्स देख सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया लगते हैं रियल लाइफ से अगर आप कंपेयर करोगे तो। एंड यहाँ पे आप लोग टेबल्स भी देख सकते हो, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, कंप्लीट डिटेलिंग की है इनके ऊपर भी, ठीक ठाक तो नहीं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि सनसेट कितने बेहतरीन तरीके से हो रहा है, सन पूरा का पूरा गोल दिख रहा है। एंड इसी के साथ सनसेट व्यू भी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि माइनक्राफ्ट पॉकेटशू के अंदर जितने भी सारे मॉब एग्जिस्ट करते हैं, इन्होंने सारे के सारे सभी मॉब्स के टेक्सचर चेंज कर दिया, जो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, आप लोग भी देख सकते हो। एंड इसी के साथ मून के ऊपर काफी अच्छी डिटेलिंग की है, जब हम मून को दूर से देखते हैं तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, बट जब हम इसके ऊपर जूम करते हैं तो ब्लर दिखता है। आई थिंक ये मेरे लिए माइनस पॉइंट हो सकता है। एंड इसी के साथ मैंने आपसे कुछ कहा था कि मुझे सर्वाइवल के बारे में कुछ बात करनी है, तो बात कुछ ऐसी करने की जो मेरा लैपटॉप था काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है, पता नहीं उसके अंदर मैं ठीक से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, एंड उसको तो मैं अपलोड नहीं कर सकता ना, इसकी वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्या मैं पॉकेट एडिशन के अंदर अपनी सर्वाइवल सीरीज शुरू करूँ, तो ये बात मुझे कमेंट। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद होगी, पसंद होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।